हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 टू द वीडियो। सो आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस के बारे में। काफ़ी कम वीडियोस है, काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस की फ़ीस क्या होती है और हमारे इंडिया में कितने प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक लिस्ट लाया हूँ जो गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ करी गई है कि कितने प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस इंडिया में एक्चुअली में है और वहाँ पर कौन से स्टेट में है और उसका नाम क्या है और उसमें फ़ीस कितनी, हाउ मच इज़ द फीस ऑफ वेटनरी कॉलेज इन द प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ये जो लिस्ट है ये पूरी लिस्ट है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों की। सो दिस इज़ अ लिस्ट ऑफ कंबाइंड वेटनरी कॉलेजेस ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज। सो वी विल सी दैट हाउ मेनी प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस आर देयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हैव द थ्री वेटनरी कॉलेजेस, है ना, NTR एंड सो लेट्स, आई विल नॉट ट्राई टू प्रोनाउंस दीज नेम्स बिकॉज आई थिंक सो आई विल यू नो मैस अप विद दैट। सो यू कैन सी द लिस्ट हियर। सो आई विल जस्ट कम टू द प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस बिकॉज दीज आर आवर गवर्नमेंट कॉलेजेस। ओके, सो लेट्स कम टू द प्राइवेट वेटनरी कॉलेज। सो फर्स्ट कॉलेज वी कैन सी हियर दैट हरियाणा होल्ड्स अ वेटनरी कॉलेज विच इज़ प्राइवेट, दैट इज़ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। कैन यू सी इट गाइज? आई थिंक सो यू कैन सी इट, जस्ट लेट मी चेक द OBS, इज इट रिकॉर्डिंग और नॉट? यस इट इज रिकॉर्डिंग मी। सो यू कैन सी हियर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एजुकेशन एंड रिसर्च। सो फर्स्ट कॉलेज इज इन हरियाणा। ओके, फर्स्ट कॉलेज इज इन हरियाणा। देन द सेकंड कॉलेज, वी विल कम टू द सेकंड कॉलेज, दैट इज इन द पंजाब। यस, सो दिस इज इन द पंजाब। यू कैन सी हियर दिस कॉलेज इज अंडर द प्राइवेट सेक्टर, खालसा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज, दैट इज इन द अमृतसर। ओके, कैन यू सी हियर? अमृतसर, अमृतसर में कॉलेज है दोस्तों, अमृतसर में कॉलेज है। ओके, देन द थर्ड कॉलेज इज अंडर राजस्थान, राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान वेटनरी कॉलेजेस, महात्मा ज्योति भाई फ्यूल कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, दैट इज़ इन द चोमू जयपुर। ओके, वियर्ड नेम बट दिस इज़ द कॉलेज। ओके, देन अपोलो कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस, दैट इज़ ऑल्सो अ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज। ओके ओके, देन अरावली वेटनरी कॉलेज शिखर, दैट इज़ ऑल्सो अंडर द राजस्थान। सो राजस्थान होल्ड्स थ्री वेटनरी कॉलेजेस विच आर अंडर प्राइवेट सेक्टर। ओके, then let's move, I don't think so, there are many colleges. Yes, so this was the colleges list. Now we'll discuss the fees of these colleges. Okay, what is the fees of the specific colleges? I have prepared a presentation for all of you, so just don't leave the video, I will present it to you. Okay, so here is the fees of private veterinary colleges in India. It depends on the course, and for example, if you are doing the master's course or you are doing the bachelor's course, okay? You can see here the fees ranges between the 10,000 to the 1.5 lakh. You can see here, generally speaking, the fees of the government colleges ranges between the 10,000 to the 1.5 lakh. But in the private colleges, the fees ranges from 25,000 to the 14 lakh. Can you see here 14 lakh, okay? For example, the Aravali Veterinary College charges 5.5 lakh. Per year. Okay, can you see here the fourth line? Okay, I think so, you can see here. So this is the fees of Aravali Veterinary College as we seen in the list. Next, I will tell you the fees of private veterinary colleges. Some specific information I will give you here. The fees of masters is generally 2 to 6 lakhs. Okay, the fees of private veterinary colleges in India ranges between 3 lakh to 10 lakh. So you are getting an approximate idea of fees, that 3 lakh to 10 lakh you have to pay per year to get into the private veterinary college and to study, because this course is approximately 6 years long. So you have to multiply like into 6. For example, the fees is 4 lakh per year. So into 6, if you have that amount, 4 into 6, then only you can think of getting admission into the private veterinary college. आई विल टेल यू, प्लीज़ स्टडी, थोड़ा सा पढ़ लोगे बहुत पैसे बच जाएंगे मम्मी पापा के, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हैं, देयर आर सेवरल प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस ऑफ इंडिया ऑफरिंग वेटनरी साइंसेस, दीज इंक्लूड द वेटनरी कॉलेजेस ऑफ इंडिया VCRI सच एज चेन्नई। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ द प्राइवेट वेटनरी कॉलेज, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट, विल स्किप दिस। ओके, दिस स्लाइड इज शोइंग 7.5 लाख पर ईयर, 7.5 lakh per year is the fees of Apollo Veterinary College. Oh my God.
मद्रास वेटनरी कॉलेज ओके 2.5 लाख पर ईयर. आई डोंट थिंक सो मद्रास इज अ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज. वी हैव सीन द लिस्ट ओके. देयर मे बी सम इंफॉर्मेशन बिकॉज आई हैव कंपाइल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स सो सम ऑफ द एरर्स मे बी देयर. बट द लिस्ट विच आई हैव शोन यू मतलब जो मैंने उसको सबसे पहले जो लिस्ट दिखाई थी वो सबसे आप बोल सकते हैं वैलिड लिस्ट है ओके. देन द बॉम्बे वेटनरी कॉलेज अराउंड 5 लाख ओके. सो दिस इज द अप्रोक्सीमेट फीसेस ऑफ द डिफरेंट वेटनरी कॉलेजेस. नाउ वी विल डिस्कस द कट ऑफ ऑफ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज. द कट ऑफ ऑफ एडमिशन ऑफ प्राइवेट वेटनरी कॉलेज डिपेंड्स अपॉन द एंट्रेंस एग्जाम ओके. जनरली द राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाता है. मिनिमम स्कोर ऑफ 543 एडमिशन 543 नीट में मार्क्स लाने पड़ेंगे भैया और 400 प्लस आपको लाने पड़ेंगे अगर आपका रिजर्वेशन है तो काफ़ी यहाँ पर कंपटीशन तो है दोस्तों. काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है 400 प्लस इफ़ यू हैव अ रिजर्वेशन एंड 540 प्लस इफ़ यू हैव नो रिजर्वेशन और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ओके. सो दिस वॉज आई थिंक सो अ वीडियो फॉर प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस. सो दिस इज द लिस्ट विच यू हैव टू यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स ओके. यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट्स ऑफ दिस होल थिंग. फर्स्ट कॉलेज इज इन हरियाणा. द सेकेंड कॉलेज इज इन द पंजाब. देन द थर्ड कॉलेज इज इन द राजस्थान. राजस्थान होल्ड्स 3 प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस ओके. एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी अदर कॉलेज देयर. सो अप्रॉक्सीमेटली 1, 2, 3, 4 and 5 colleges. So in overall India there are only 5 private veterinary colleges okay. Approximately 70 to 80 students are there in one batch. So how many seats will be there? 70 into I am a biology student, I cannot do that maths. So thank you so much, please do that maths and write in the comments. Thank you so much. If you have any doubts then you can come to my Instagram and you can message me there okay. I am also thinking of creating a Telegram group for all of you because many students want to discuss among themselves various things. So I will create a Telegram group and will circulate the Telegram ID on this channel. This channel will be very active from now on. Abhi thoda sa main dur chale gaya tha kyunki meri degree puri ho rahi thi veterinary ki, so I was concerned there, but now I think so I will be much much free because I'm doing my postgraduate. So let's see. Thank you so much dosto. Bye bye. Subscribe kar diya karo dosto. Subscriber badhao thode. Bye bye.